अगर आपको अपने लाइफ में लक्ष्य पाना है ना, तो जुनून की आग तो अपने सीने में पैदा करनी होगी। जब तक आपके अपने सीने में जुनून की आग नहीं है ना, तो आप कोई सा भी लक्ष्य नहीं पा पाओ। चाहे आप बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे आप किसी के भी फील्ड में हो, चाहे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, चाहे आपको नीट की तैयारी करनी हो, चाहे आपको अपने कोई बिजनेस के फील्ड में लक्ष्य को पाने के लिए तैयारी करनी हो, आपको जुनून की आग तो पैदा करनी होगी अपने सीने में। जुनून की आग क्या होती है ये देखिए। सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 18 मार्च 1919 को अंग्रेज सरकार भारत में एक रोलेक्ट एक्ट पारित करती है। वो रोलेक्ट एक्ट ये होता है कि बिना किसी मुकदमे के व्यक्ति को गिरफ्तार करना, स्वतंत्र सेनानियों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर दिया जाता था, उनको वकील मुहैया नहीं किया जाता था, उनको ये भी नहीं पता होता था कि हमारे ऊपर कौन सी धारा लगी, कौन सी सेक्शन लगी, और उनको बस जेल में फिट किया जाता था। रोलेक्ट एक्ट का मतलब यही था कि स्वतंत्र आंदोलन को दबाना। इसी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण वहां मीटिंग कर रहे होते हैं। फिर जनरल डायर आता है और धड़ाधड़ गोलियों से लोगों को भून देता है। 1500 लोगों की मौत हो जाती है, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, सबकी मौत हो जाती है। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड का चश्मदीद गवाह होता है उधम सिंह, और वो कहता है कि जब तक मैं इस जनरल डायर को नहीं मारूंगा, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। उधम सिंह की उस वक्त एज होती है सिर्फ 20 साल का होता है वो लड़का। 21 साल तक वो अपने सपने को, अपने लक्ष्य को अपने सीने में दबाए रखता है, उस जुनून की आग को बुझने नहीं देता है 21 साल तक। देखना आप, उधम जब जनरल डायर विदेश चला जाता है, उधम सिंह कुछ पैसे इकट्ठा करके पहले ब्राजील जाते हैं, फिर दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और फिर वहां से होते हुए लंदन पहुंचते हैं। 6 साल तक वो बेस बदल कर लंदन में रहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं मरने देते, अपने जुनून को नहीं मरने देते। उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे बस जनरल डायर को मारना है तो मारना है। सोते बैठते, उठते बैठते 24 घंटे उनके दिमाग और दिल में एक ही लक्ष्य था कि मुझे यह पाना है। अगर आपको आपका लक्ष्य पाना है, तो अपने दिमाग और दिल में बस अपना लक्ष्य रखना है, जुनून की आग मत बुझने देना। उधम सिंह को मौका मिला 13 मार्च 1940 में, जब जनरल डायर एक हॉल में मीटिंग को संबोधित करते होते हैं, वहां पर छुपकर उधम सिंह जाते हैं और एक किताब में अपनी छोटी सी बंदूक रखते हैं और निकालते हैं और 2 गोली धड़ाधड़ जनरल डायर में ठोक देते हैं। और उधम सिंह भागते नहीं है, वहां खड़े रहते हैं और उधम सिंह को पकड़ा जाता है और कुछ दिनों बाद उधम सिंह को फांसी दी जाती है। उस वक्त उधम सिंह की एज सिर्फ 41 होती है। देखिए, 20 वर्ष की उम्र में उधम सिंह कोई अपना लक्ष्य लेते हैं अपने जीवन का कि मुझे यह करना है तो करना, और 21 साल तक वो अपने लक्ष्य के लिए जीते हैं। सोते बैठते, उठते जागते उनके दिल दिमाग में सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे जनरल डायर को मारना है। तो आपको भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। कुछ क्या करते हैं, साल, 2 साल, 3 साल तक मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार, पूरा नहीं आ रहा है, मुश्किल आ गई, बात आएगी, चलो दूसरा लक्ष्य लेते हैं, चलो दूसरा फील्ड चुनते हैं। मुश्किलें तो आएगी, बाधाएं तो आएगी। उधम सिंह के जीवन में कितनी मुश्किलें आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन जो लक्ष्य अडिक्ट है वो कि मुझे लक्ष्य पाना है तो पाए। आप भी जीवन में मुश्किलें आएगी, कितनी भी मुश्किलें आएगी, कितना भी कठिनाई आएगी, लेकिन अपने लक्ष्य को छोड़ना मत। दिल दिमाग में अपना लक्ष्य रखना, लक्ष्य तो आप जरूर पाओगे अगर आप अपने अंदर में जुनून की आग अगर आपने बंद नहीं की तो। जब भी लक्ष्य पाना है, आपने कोई भी लक्ष्य डिसाइड कर लिया, कोई बात नहीं, अपने अंदर के जुनून की आग को बुझने मत देना, तभी आप अपना लक्ष्य पा पाओगे।